हेलो फ्रेंड्स, मेरे डिजिटल क्लासेस में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। तो आप लोग की तैयारी बहुत ही ज़बरदस्त चल रही होगी। एसआई का जो भी डेट बहुत दिनों के बाद आ चुकी है, 29 तारीख को आपके एग्ज़ाम है, तो 12 से 13 दिन यहाँ पे बचा है। तो अभी कुछ भी नया मत पढ़िए, जो पढ़े उसी को रिविज़न कीजिए, ताकि नया पढ़ेंगे आपको कन्फ्यूज़ होगी एग्जाम में। जो पढ़े उसको रिविज़न करिए, ताकि जो क्वेश्चन आएगा आपके पेपर में वो आपको कन्फर्म बनना चाहिए। तो इसलिए रिविज़न पर ज़्यादा फोकस है, कुछ भी अभी नया मत पढ़िए। जितने हैं ज़्यादा ज़्यादा हो आपके मॉक टेस्ट वगैरह लगाइए, कहाँ पे आपका क्वेश्चन यहाँ पे बन नहीं पा रहा उसको बार बार जाकर रिवीजन करते आप स्कोर है अच्छा हो पाएंगे उसके हिसाब से। तो हम स्टार्ट करेंगे छत्तीसगढ़ के। तो यहाँ से 75 नंबर से आपके CGSI में यहाँ से क्वेश्चन आना है, और जो PSC की तैयारी उन लोग भी छत्तीसगढ़ के लगभग जो यहाँ पे दोनों एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट, चाहे कोई भी छत्तीसगढ़ में एग्जाम की तैयारी कर रहा हूँ तो सारे एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, सेशन को आगे बढ़ाते हैं। तो पहली बार मेरे आए होंगे चैनल में, तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा। तो स्टार्ट करते हैं आज के सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम पे बेस्ड क्वेश्चन को तैयार किया गया है। मैं उन्हीं क्वेश्चन के यहाँ पे इंक्लूड किए हूँ जो आपके एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज के सेशन। तो बस्तर में गोंचा पर्व कब मनाते हैं? तो आषाढ़ मास में, भादो मास में, कार्तिक मास में या फाल्गुन मास में? इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा आषाढ़ मास। तो बस्तर में गोंचा पर्व विशेष रूप से जनजातियों में बहुत ही प्रसिद्ध है, और ख़ास करके जो गोंचा पर्व है बस्तर में आषाढ़ के महीने में इसको मनाया जाता है। और गोंचा पर्व जो कि आपके माड़िया जनजाति द्वारा इसको मनाया जाता है, याद रखिए गोंचा पर्व कौन सी जनजाति मनाया जाता है, ऐसा भी क्वेश्चन करके पूछ सकते हैं। तो आपके आपके माड़िया जनजाति में इसको गोंचा पर्व को मनाया जाता है, और यह बस्तर अंचल में आषाढ़ के महीने में इसको मनाया जाता है। ये क्वेश्चन आपके व्यापम में क्वेश्चन को पूछा गया है, तो इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। ककसार जो त्यौहार कौन सी जनजाति मनाई जाती है? तो उराव जनजाति, कमार जनजाति, बैगा जनजाति या माड़िया जनजाति? तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा माड़िया जनजाति। तो ककसार जो त्यौहार कौन से जनजाति में विशेष करके प्रचलित है? तो आपके माड़िया जनजाति में प्रचलित है यह जनजाति, इसको मूरिया भी कहा जाता है, मूरिया भी इसको जनजाति कहा जाता है। तो घोटुल विवाह के जो देवता है लिंगोपिन की आराधना हेतु इन लोग इनके जनजाति में प्रसिद्ध है, और विशेषकर ककसार नृत्य के दौरान इन लोग घोटुल परिसर में मुड़िया जनजाति में जीवन साथी का चुनाव किया जाते हैं आपके ककसार त्यौहार में। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। और यहाँ पे ये ककसार हो गया, ककसार कर कैसे पूछ दिया जाएगा? तो ये आपके अभुजमाड़ियों द्वारा जनजातियों द्वारा ये आपके गोत्र देवतक पूजा विशेष करके ककसार नीति आपके अभुजमाड़ियों द्वारा किया जाता है। तो याद रखिए ककसार अगर पूछ दिया जाए तो आपके माड़िया जनजाति लेना है, अगर ककसार ली जाए तो आपके अभुजमाड़िया भी इन लोग जो कि इस नृत्य को किया जाता है। इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस त्यौहार में गौरी गौरव विवाह उत्सव मनाया जाता है? तो आपके तीजा, दशहरा, दीपावली, होली। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा दीपावली के अवसर पर जो त्यौहार है आपका गौरी गौरव जो विवाह उत्सव दीपावली के अवसर में इसको मनाया जाता है। ये धर्म पूजा से संबंधित देखो इसको जो विवाह उत्सव है जिसमें माता पार्वती या भगवान विष्णु जी की यहाँ पे विवाह से संबंधित जो कि त्यौहार है, जिसमें गौरी विवाह जो उत्सव है कौन से समय में किया जाता है? दीपावली में इसको किया जाता है। तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन आपके PSC में क्वेश्चन भी पूछा गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, छत्तीसगढ़ में ग्रामों में आल्हा कब गाते हैं? तो वर्षा ऋतु के समय में, शीत ऋतु के में, या आपके शीत ऋतु या ग्रीष्म ऋतु के समय? तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाए। उपरोक्त समय तो सभी जो कि मौसम में, चाहे वर्षा ऋतु हो, चाहे ग्रीष्म ऋतु हो, चाहे शीत ऋतु, सभी मौसम में आल्हा जो कि इसको जो कि गाया जाता है। तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, रायगढ़ के सिंगनपुर में किस युग के औजार प्राप्त हुए हैं? तो आपके पाषाण युग के, पूर्व पाषाण युग के, कांस्य युग या लौह युग? तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा पूर्व पाषाण युग के। यहाँ पे रायगढ़ के सिंगनपुर से यहाँ पे युग के यहाँ पे औजार बहुत ही महत्वपूर्ण औजार यहाँ से प्राप्त हुए आपके जो दर्शाते हैं पूर्व पाषाण युग के औजार है जो आपके रायगढ़ के सिंगनपुर जो कि जगह से सिंगनपुर से यहाँ से औजार प्राप्त, जिसमें से विशेष करके यहाँ पे पत्थर के हस्तचित्र यहाँ पे कुदार भी मिले हैं, और सिंगनपुर गुफाएँ से जो कि पाषाणकालीन चित्रों के लिए भी प्रसिद्ध है यहाँ से जो कि जानकारी प्राप्त हुई है। तो इसका भी ऑप्शन याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नव पाषाण काल के औजार दुर्ग जिले के किस स्थान से प्राप्त हुए हैं? तो अर्जुनी से, बालोद, लोहारा या पाटन से? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा अर्जुनी। तो नव पाषाण काल के जो औजार दुर्ग जिले के किस स्थान से प्राप्त हुए हैं? तो आपके दुर्ग के आपके अर्जुनी से यहाँ से औजार यहाँ से प्राप्त हुए हैं। तो ये आपके नवपाषाण कालिक के हैं, याद रखिए अर्जुनी दुर्ग से, और आपके चितवा डोंगरी राजनांदगांव से
यहाँ पे जो कि क्षेत्रीय धन औजार प्राप्त हुए हैं, याद रखिएगा यहाँ टेरम रायगढ़ से भी, यहाँ से जो कि नवपाषाण काल के यहाँ पे जो कि औजार पाए गए हैं। तो इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा, याद रखिएगा। अर्जुनी कहाँ है तो आपके दुर्ग जिले के अंतर्गत है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पूछा गया क्वेश्चन है, किस वेद में छत्तीसगढ़ का वर्णन नहीं मिलता है? तो सामवेद से, ऋग्वेद से, अथर्ववेद से या यजुर्वेद से? तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा ऋग्वेद से। तो ऋग्वेद में छत्तीसगढ़ का वर्णन नहीं मिलता है, याद रखिए। जो ऋग्वैदिक जो काल है, सन माना जाता है 1500 से लगभग 1000 ईसा पूर्व जो कि ऋग्वेद का काल है। इस काल में जो कि ऋग्वेद का रचना हुआ था और सभ्यता के निर्माता था नर्मदा जो आर्य। इस काल में जो कि पंचना क्षेत्र से जो कि उत्तर भारत तक विस्तृत है, और अतः जो कि ऋग्वेद में छत्तीसगढ़ वर्णन नहीं मिलता है। ऋग्वेदिक काल है लगभग 1500 से 1000 ईसा पूर्व ऋग्वेदिक काल है, जिसमें छत्तीसगढ़ की वर्णन नहीं मिलती है। तो याद रखिए इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, परल कोट विद्रोह किस वर्ष हुआ था? तो 1790 में, 1824 से 25 में, आपका 1774 में या 1876 में? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा परल कोट को जो विद्रोह किस वर्ष हुआ था। तो परल कोट जो विद्रोह 1824 से 1825 का बी ऑप्शन याद रखिएगा। तो यहाँ पे क्योंकि टाइपिंग मिस्टेक हो गए, तो परल कोट जो विद्रोह 1824 से 2500 में हुआ था, याद रखिए 1824 से 25 में परल कोट विद्रोह हुआ था। इसके शासक कौन थे? तो महिपाल देव थे। और नेतृत्वकर्ता कौन है पूछा जाएगा? तो गेंदसी जो परल कोट के जमींदार थे। तो नेतृत्वकर्ता गेंदसी से आपके परल कोट विद्रोह की, याद रखिएगा डेट को, 1824-25 इस सन में यहाँ पे जो कि विद्रोह हुआ था परल कोट विद्रोह, जो कि उद्देश्य था अबूझमाड़ियों को जो शोषण मुक्त कराने हेतु। यहाँ पे अबूझमाड़ी जो कि ऐसे संसार की रचना करना चाहते हैं जिससे कोई शोषण या उनका लाभ मत उठाए, ऐसे उद्देश्य से अबूझमाड़ियों को शोषण मुक्त कराने इसका उद्देश्य था। जिसके शासक कौन थे? तो महिपाल देव थे, याद रखें। नेतृत्वकर्ता कौन थे? तो आपके गेंदसी थे, जो कि आपके परल कोट के जमींदार थे। तो डेट को याद रखिएगा, परल कोट जो विद्रोह 1824 से 25 में हुआ था। तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखते हैं, चैतन्य महाप्रभु किस संप्रदाय से जुड़े हुए व्यक्ति थे? तो श्री संप्रदाय, आपके वारकरी संप्रदाय, गौंडी संप्रदाय, डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा गौंडी संप्रदाय। तो चैतन्य जो महाप्रभु थे आपके गौंडी संप्रदाय से जुड़े हुए व्यक्ति थे। तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखते हैं, पुष्टि मार्ग के दर्शन की स्थापना किसने की थी? चैतन्य के द्वारा, नानक के द्वारा, सूरदास के जी के द्वारा या डी है वल्लभाचार्य के द्वारा? तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा डी ऑप्शन, वल्लभाचार्य। तो इनके द्वारा पुष्टि मार्ग दर्शन की इन्होंने स्थापना किए थे वल्लभाचार्य जी ने, याद रखिए। क्वेश्चन आपके CGPSC 2015 के प्री के पेपर में क्वेश्चन पूछा है, हॉस्टल वार्डन के 2016 में भी क्वेश्चन को पूछा गया है। तो याद रखें पुष्टि मार्ग के दर्शन की स्थापना वल्लभाचार्य ने उन्होंने किए थे, जो कि प्रसिद्ध वैष्णव संत वल्लभाचार्य की जन्मस्थली है चंपारण, याद रखिए। यहाँ के चंपकेश्वर जो महादेव का मंदिर, जो कि बहुत ही दर्शनीय स्थल माना जाता है वल्लभाचार्य जी, याद रखिए। पुष्टि मार्ग के इस दर्शन की स्थापना इन्होंने किया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस संत ने ईश्वर को अपने पास अनुभव करने के लिए नित्य एवं गीतों कीर्तन के माध्यम को बनाया था? तो शंकर देव ने, चंडीदास ने, ज्ञानदेव ने, चैतन्य महाप्रभु ने? तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा चैतन्य महाप्रभु। इन्होंने ईश्वर को प्राप्त करने के लिए अपने पास इन्होंने अनुभव करने के लिए यहाँ पे भक्ति भाव यानी नित्य गीतों कीर्तन का माध्यम इन्होंने बनाया था आपके चैतन्य महाप्रभु ने। तो इसका डी ऑप्शन याद रखिएगा, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अद्वैतवाद के सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? तो रामानुज, शंकराचार्य, माध्वाचार्य या डी है आपके विवेकानंद? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा शंकराचार्य। अद्वैतवाद के सिद्धांत के प्रतिपादक किसे कहा जाता है? तो शंकराचार्य जी को कहा जाता है। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन याद रखिएगा, कई बार इसको एग्जाम में पूछा गया है अलग अलग SSC रेलवे UPSC में। तो अद्वैतवाद के सिद्धांत के प्रतिपादक शंकराचार्य जी को कहा जाता है। तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सूफिया कलाम जो एक प्रकार का भक्ति संगीत है, किसकी विशेषता बताता है? तो गुजरात की, कश्मीर की, राजस्थान की या डी है इनमें से कोई नहीं? तो सूफिया जो कलाम है एक प्रकार के भक्ति संगीत है, जो कि आपकी किसकी विशेषता बताती है? तो आपकी कश्मीर की विशेषता बताती है। कई बार पूछा गया क्वेश्चन को, तो इसका बी ऑप्शन याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सूफिया संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती किसके शासनकाल में राजस्थान आए थे? तो महाराणा प्रताप, राणा सांगा, राणा कुंभा या पृथ्वीराज चौहान?
तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा पृथ्वीराज चौहान। तो सूफी जो संत थे ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती आपके किसके शासनकाल में राजस्थान आए थे, तो जो पृथ्वीराज चौहान थे जो कि इनके शासनकाल में राजस्थान आए हुए थे, जो कि सूफी संत थे ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती जो कि आपके पृथ्वीराज चौहान के शासनकाल में आए हुए थे। इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे प्रसिद्ध सूफी सलीम चिश्ती रहते थे दिल्ली में, अजमेर में, फतेहपुर सिकरी में, या डी है लाहौर में। तो जो प्रसिद्ध सूफी जो सूफी संत थे सलीम चिश्ती जी जो कि कहाँ रहते थे, तो आपके फतेहपुर सिकरी में रहते थे। तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे इंक्लूड क्यों आपके एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सके। अगला क्वेश्चन देखते हैं। काव्य व्यक्ति के रूप में उर्दू का प्रयोग करने वाला पहला लेखक कौन था, अमीर खुसरो, मिर्जा गालिब, बहादुर शाह जफर, या आपका फैज़। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा अमीर खुसरो जो कि काव्य व्यक्ति के रूप में उर्दू भाषा के जनक इनको कहा जाता है। उर्दू भाषा का जो प्रयोग जो कि सबसे पहले ने इन्होंने किया था अमीर खुसरो ने, और बहुत ही प्रसिद्ध लेखक थे। तो याद रखिए उर्दू का सबसे पहले जो प्रयोग आपके अमीर खुसरो के द्वारा किया गया था, एक लेखक भी थे, जिसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस सूफी को महबूब ए इलाही अल्लाह के प्रिय कहा जाता है, तो शेख निजामुद्दीन औलिया को, शेख नासिरुद्दीन को, बाबा फरीद को, या सलीम चिश्ती को। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा शेख निजामुद्दीन औलिया को। ये सूफी संत को महबूब ए इलाही अल्लाह के प्रिय कहा जाता है, याद रखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो शेख आपके निजामुद्दीन औलिया को अल्लाह के प्रिय या महबूब ए इलाही इनको कहा जाता है, शेख निजामुद्दीन औलिया को। तो इसका ए ऑप्शन सही हो जाए। अगला क्वेश्चन है, कई बार इसको पूछा गया क्वेश्चन को, तो याद रखिएगा कि सूफी संत ने कहा था हनोज दिल्ली दूरस्त, अभी दिल्ली दूर है, तो शेख आपके नासिरुद्दीन को, शेख निजामुद्दीन औलिया को, आपके सलीम चिश्ती को, या शेख फरीद को। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा शेख निजामुद्दीन औलिया ने। ये सूफी संत, एक सूफी संत है ये, और हनोज दिल्ली दूर है, सभी दिल्ली दूर है, आपके शेख निजामुद्दीन औलिया द्वारा कहा गया था। तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, यह घोड़ा अच्छा है, इस वाक्य में यहाँ क्या होगा, तो एक संज्ञा है, सर्वनाम या विशेषण, या सर्वनामिक विशेषण है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हिंदी का, तो यहाँ पे सारे क्वेश्चन मैं इंक्लूड क्यों आपके एग्जाम में कवर कराएगा। तो यहाँ घोड़ा अच्छा, इस वाक्य में आपका सर्वनाम छुपा हुआ है, तो इसका भी ऑप्शन याद, कई बार इसको एग्जाम में रिपीट किया गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, संबंधवाचक सर्वनाम यहाँ पे पूछा गया है, तो कोई, कौन, जो और वह। संबंधवाचक सर्वनाम यहाँ पे जो हो जाएगा, जो संबंध यहाँ पे बताता है उसे जो कि संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, जो याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पे सातवाहन नरेशों को काष्ठ स्तंभ लेख बिलासपुर जिले के किस स्थान से प्राप्त हुए, तो शिवरी नारायण, किरारी, मल्हार, या सी। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा किरारी। तो सातवाहन नरेशों को जो काष्ठ स्तंभ जो लेख है बिलासपुर जिले के आपके किरारी स्थान से प्राप्त हुआ, याद रखिए स्तंभ जो लेख है ये आपके किरारी जांग्या चापा सन 1921 में यहाँ से प्राप्त हुआ था, जो कि यहाँ बताता है कि सातकालीन जो सातवाहन जो कालीन काष्ठ स्तंभ यहाँ से प्राप्त हुआ है, तो किरारी से प्राप्त हुआ, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और जो सातवाहन वंश थे छत्तीसगढ़ में 72 से 200 ईस्वी इन्होंने शासन किया था, राजधानी प्रतिष्ठान जो कि महाराष्ट्र में इनकी राजधानी होती थी। इनके जो साक्ष्य कहाँ कहाँ मिले हैं, तो इनकी जो मुद्रा है बिलासपुर के मल्हार से प्राप्त हुए जो कि बालपुर से मिले हैं, और चकरबेड़ा से भी यहाँ से सातवाहन जो काल के रोमकालीन स्वर्ण यहाँ से मुद्रा प्राप्त हुई। इनका जो शिलालेख गुंजी जो शिलालेख है जो कि वर्धश्री जो जानकारी यहाँ से मिलती है, याद रखिए शिलालेख जो प्राप्त हुआ है, तो गुंजी शिलालेख राजा वरदश्री जी की जानकारी यहाँ से मिलती है। तो इसका आपका बी ऑप्शन किरारी सही आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पे राजा तुष्टिकर छत्तीसगढ़ के किस राजवंश से संबंधित है, तो मेघवंश, राजर्षि तुल्य वंश, पर्वत द्वारक वंश, या डी है आपका सोमवंश। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा सी ऑप्शन पर्वत द्वारक वंश। तो राजा तुष्टिकर जो कि एक पर्वत द्वारक वंश के संबंधित है, तो आपके किस राजवंश से है, तो पर्वत द्वारक वंश से संबंधित है। इनका जो क्षेत्र है देवभोग गरियाबंद इनका शासन क्षेत्र था, इसके जो शासक थे आपके सुमन्न राज, इन्होंने देवभोग का दान में दिया गया था, और तुष्टिकर ये दोनों जो कि शासन पर्वत द्वारक वंश के शासक है, याद रखिएगा। इस जो उपासक इस वंश के जो शासक स्तंभेश्वरी देवी के उपासक थे, तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन याद रखिएगा। तो आज का सेशन यहीं तक रखते हैं, तो बाकी जो क्वेश्चन हम कल कवर करेंगे सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट जो आपके एसआई के लिए, व्यापम के लिए, सारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है,
तो चलिए मिलते हैं अगले पार्ट में। बस आज के लिए इतने, क्वेश्चन को यहीं तक रखते हैं। अच्छा लगे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कमेंट कीजिए, बाकी जो क्वेश्चन हम कल कवर करेंगे तो अभी मन लगा के पढ़िए और सिलेक्शन लीजिए। तो चलिए बस आज के लिए इतना ही, थैंक यू।